हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, 2014 में आपकी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगी थी उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर आपको पूछे गए थे पेपर सेकंड में 150 क्वेश्चन, उसके बारे में अपने इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप पचार सर लिख कर सर्च करेंगे तो सुनील पचार सर के नाम से आपके सामने एक चैनल ओपन होगा जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है। मेरे इस वीडियो की जो PDF है वो आपको उस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। देखिए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड जो आपको पेपर सेकंड आया था उसमें पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि निम्नांकित में से किस ग्रंथ ने भारत की सीमा समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण में बताया है। तो ये बताया है विष्णु पुराण में, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित अक्षेत्र को विष्णु पुराण में भारत देश के नाम से जाना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है और उसमें यह सबसे प्राचीन पुराणों में गिना जाता है। विष्णु पुराण मौर्य वंश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। तो इसमें विष्णु पुराण क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी के तट के ऊपर ऋग्वेदिक काल में दासराज्य युद्ध लड़ा गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा पुरुषणी। भरत कुल के शासक सुदास ने विश्वामित्र के स्थान के ऊपर वशिष्ठ को पुरोहित नियुक्त करने के प्रश्न के ऊपर विश्वामित्र ने 10 राजाओं जिसमें 5 आर्य और 5 अनार्य उनको संघ बनाया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? पुरु ने जिसका नेतृत्व किया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के एग्जाम में। सुदास के विरुद्ध में पुरुष्वी जो कि रावी नदी के तट के ऊपर है यह युद्ध हुआ था और इसे 10 राज्य युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को पराजित करने का कार्य किया था। तो ये पुरुष्वी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था कि निम्नांकित में से कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है? तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर होगा बागौर। मध्य पाषाण का महत्वपूर्ण स्थल राजस्थान का बागौर है और ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है, जहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और भारत में मध्य पाषाणकालीन स्थलों के बारे में बात करें तो 1867 में कार्लाइल ने इनकी जानकारी दी थी और भारत में इस काल में अनेक स्थल मिले हैं जिसमें बागौर भीलवाड़ा में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में मिला है, भीम बेट का स्थल मध्य प्रदेश में मिला है, इसके अलावा गुजरात में लंगनाज और पश्चिमी बंगाल में वीरभानपुर इन स्थानों से उत्खनन करवाया गया था। तो ये बागौर भीलवाड़ा क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कितनी वेदिकाएं सोहन संस्कृति स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो ये प्राप्त हुई हैं 5। हैंड अक्स, क्लीवर और स्क्रेपर इन उपकरणों के ऊपर आधारित पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी जो कि सिंधु की सहायक नदी है पंजाब में, वहाँ बोलन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका इन स्थानों से शैलाश्रय और उपकरण प्राप्त हुए हैं। सोहन संस्कृति स्थल से 5 वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन 4 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ब्रूस फूट ने उत्तर पाषाणकालीन औजारों को कितने वर्गों में बांटा है? तो ये 78 वर्गों में बांटा है। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने उत्तर पाषाणकालीन औजारों को 78 वर्गों में विभाजित किया था। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सर्वप्रथम 1863 में पल्लवरम जो कि मद्रास है वहाँ से पूरा पाषाणकालीन औजारों की उन्होंने खोज की थी। भारत में पाया जाने वाला ये कौन सा स्थल था? पहला स्थल था पल्लवरम मद्रास, ठीक है। तो 78 वर्गों में इनको विभाजित किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था उसमें असत्य कथन को आपको पहचानना था। 4 कथन आपको दिए गए थे, इसमें से असत्य कथन कौन सा होगा? दक्षिण भारत में लोह काल के बाद में नव पाषाण काल आया था, ये इसमें असत्य होगा क्योंकि भारत में लोह के जो साक्ष्य हैं वो 1000 ईसा पूर्व मिलने प्रारंभ हो गए थे, जबकि नवपाषाण काल की बात करें तो ये 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। इसलिए आपको जो 4था कथन दिया गया था इसमें ये बिल्कुल ही असत्य दिया गया था, बाकी के जो 3 कथन दिए गए थे वो इसमें सत्य दिए गए थे। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा था इसमें सुमेलित करने वालों में से एक तरफ आपको सूची फर्स्ट दे रखी है और दूसरी तरफ सूची सेकेंड दे रखी है, मिलान करने वालों में से था ये क्वेश्चन। तो देखिए इसमें बालाकोट दे रखा है, तो बालाकोट सीप उद्योग के लिए, इसके बाद में सुरकोटड़ा तो ये कलश सवाधान के लिए, और लोथल किसके लिए फेमस था? बंदरगाह के लिए काफ़ी फेमस है, और चन्हुदड़ो मनका बनाने का कारखाना यहाँ से मिला है। तो देखिए ये आपको दे रखा है इनमें से 4321, 4321 कौन से ऑप्शन में दे रखा है इनमें से? DCBA। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था डॉक्टर जायसवाल के अनुसार
विधाता परिषद संबंधित थी? तो ये विधाता परिषद धार्मिक कार्यों से संबंधित थी। ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है कौन सा कथन असत्य है? तीन कथन सत्य हैं और एक कथन इसमें असत्य है। तो देखिए असत्य कथन इनमें से कौन सा दे रखा है? ऋग्वेद 6 मंडलों में विभक्त था, ये इसमें गलत है क्योंकि ऋग्वेद है वो 10 मंडलों में विभक्त, जिसमें प्रथम मंडल और जो 10वां मंडल है वो सबसे अंत में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कौन से हड़प्पी स्थल से एक साथ में दो फसलें उगाने के साक्ष्य मिले हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इस बार 2019 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। देखिए कालीबंगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है वहाँ पर हड़प्पा स्थल कालीबंगा में एक साथ दो फसलें उगाने के प्रमाण मिले हैं। इस स्थल से जुटे हुए खेत, हवन वेदिकाएं और कच्ची ईंटों से बने हुए घर के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ पर अन्य स्थलों के समान ही जल निकासी की जो प्रणाली है उसका अभाव देखा गया था। लेकिन कालीबंगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, एक साल दो फसलों उगाने के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है वो आपसे पूछा है। तो देखिए कालीबंगा की जो अमलानंद घोष ने की थी, बिल्कुल की थी कालीबंगा, ये इन्होंने की थी 1953 में कालीबंगा की खोज की थी, और ब्रजवासी यानी कि बीबी लाल और वीके थापर इन्होंने इनका उत्खनन करवाया था। तो ये कथन तो आपको बिल्कुल सही दे रखा है। दूसरा है अमलानंद घोष ने 1953 में, हाँ तो देखो 1953 मैंने आपको बताया था, लगभग 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृति के स्थल बीकानेर क्षेत्र में खोजे थे। तो ये कथन भी आपको सही दे रखा है। तीसरा है कालीबंगा से अस्थि रहित समाधान नहीं मिले हैं। तो ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है क्योंकि कालीबंगा से अस्थि रहित समाधान मिले हैं, ये कथन क्या होगा इसमें गलत होगा। तीसरा कथन दे रखा है कालीबंगा से जो प्राप्त अवशेष हैं वो हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थिति में है, ये कथन आपको इसमें सही दे रखा है। यानी कि पहला कथन, दूसरा कथन और चौथा कथन, 1, 2 और 4, ए बी और डी आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण निम्नलिखित में से किसकी नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा गंगा घाटी की। भारत में प्रथम नगरीकरण की अवस्था सिंधु सभ्यता काल में स्थित थी और द्वितीय नगरीकरण की जो अवस्था है वो बौद्ध युग यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि अवशेष और उद्योगों के विकास के कारण गंगा घाटी में अनेक नगरों का यहाँ पर विकास हुआ था। तो गंगा घाटी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है वह शील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है, वो किससे मिलती है? देखिए ये मोहनजोदड़ो से मिली है, मोहनजोदड़ो से एक योगी की मुहर मिली है जिसके चारों ओर पशु हैं, उसके तीन मुख हैं, और ये मतलब योगी जो शिव है उसी से ये कही जाती है। मार्शल महोदय ने इसे आद्य कवि शिव के रूप में भी कहा है, मार्शल महोदय ने इसे क्या कहा है? आद्य शिव कहा है। तो मोहनजोदड़ो से ये मिली है। नेक्स्ट आपको दे रखा है ऋग्वेद में आर्य शब्द किसका वाचक है? तो ऋग्वेद में आर्य शब्द है वो गुण का वाचक है, इसका भाव गुण से लिया गया। नेक्स्ट दे रखा है ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? तो ये 10वें मंडल में मिलता है, ऋग्वेद है वो 10 मंडलों में विभक्त है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है जिसमें वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। पुरुष सूक्त के अनुसार मस्तिष्क से ब्राह्मण वर्ग, भुजाओं से क्षत्रिय और उदर से वैश्य और पाद से शूद्र वर्ण का प्रादुर्भाव माना गया है। तो इसमें 10वां मंडल क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको देखा है निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपनिषदें। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों को संवाद के रूप में लिखा गया और इनमें हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। इनकी टोटल संख्या की बात करें तो 108 उपनिषदों की संख्या मानी गई है, लेकिन प्रमाणिक जो उपनिषद हैं वो उपनिषद कितनी है? 12 उपनिषद हैं। उपनिषद क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है सत्यमेव जयते किस ग्रंथ में मिलता है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में मिलता है, मुंडकोपनिषद से ये उद्धृत है। और उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म की अवधारणा उपनिषदों में मिलती है, और सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट दे रखा है ऋग्वेदिक काल का जो प्रमुख राजकीय पदाधिकारी था वो क्या था? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा पुरोहित। ऋग्वेद में सेनानी, पुरोहित और ग्रामणी नामक शासकीय पदाधिकारी राजा की सहायता के लिए होते थे। इनमें पुरोहित पद प्रमुख पदाधिकारी के रूप में होता था। ऋग्वेदिक काल में ये पद है वो वंशानुगत होने लगा था। तो पुरोहित क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रजापति की पुत्रियों के नाम है, तो प्रजापति की पुत्रियों के नाम है सभा व समिति। वैदिक काल में राजनीतिक संस्था सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियों के रूप में कहा गया था। ये संस्थाएं राजा की निरंकुशता के ऊपर कंट्रोल करने का कार्य करती थी, सभा व समिति। फिर नेक्स्ट दे रखा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ आपको न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा ये दर्शन दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको ये दे रखे हैं और इनमें मिलान करना है। तो देखिए न्याय, न्याय का मिलान किससे होगा? गौतम से होगा। फिर सांख्य दर्शन, सांख्य का होगा कपिल से। बाद में योग होगा पतंजलि और पूर्व मीमांसा का मेल होगा जैमिनी से। तो आपको देखिए 4 3 2 1, तो डी सी बी ए कौन से ऑप्शन में दे रखा है? डी सी बी ए आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में गुप्त काल के 6 दर्शनों का प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। उनमें 6 दर्शनों प्रवर्तक हैं, उनमें देखिए एक है चार्वाक बृहस्पति, न्याय महर्षि गौतम, सांख्य कपिल, योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण, और वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद माने गए हैं। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपको दे रखा है ऋग्वेदिक काल में निस्क किसकी इकाई थी? तो ये इकाई थी मूल्य की। ऋग्वेदिक काल में निस्क का उल्लेख विनिमय माध्यम के रूप में हुआ था और ऋग्वेदिक काल में निस्क एक आभूषण था जो कि वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने में सहायता करता था। उत्तर वैदिक काल में ये एक मुद्रा के रूप में भी स्थापित हो चुका था। तो मूल्य क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है कुशाग्रपुर राजधानी थी, तो कुशाग्रपुर मगध की राजधानी थी। मगध महाजनपद के जरासंघ से लेकर हर्यक वंश तक की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या फिर राजगृह थी। इसके अन्य नाम क्या हैं? कुशाग्रपुर हैं और बिंबिसारपुरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। राजगृह में अजात शत्रु के संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था। किसके संरक्षण में? अजात शत्रु के संरक्षण में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति। तो इसमें मगध क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है जिस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है वो कौन सा है? तो वह है भगवती सूत्र। भारतवर्ष के 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जिनमें 15 महाजनपद उत्तर भारत में और दक्षिण के अंतर्गत एक महाजनपद जिसका नाम अस्मक था। तो भगवती सूत्र क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है वज्जी संघ में कितने गण सम्मिलित थे? तो 8 गण इसमें सम्मिलित थे। वज्जी महाजनपद 8 गणराज्यों का समूह था। इसमें वज्जी के अलावा वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के ज्ञात्रक सम्मिलित थे। तो 8 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहाते फिरोजशाही की रचना की थी। महमूद तुगलक के सौतेले भाई थे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दे रखा है संत कवि आलवारों के आराध्य देव हैं, तो यह है विष्णु। दक्षिण में भक्ति आंदोलन लगभग 15वीं सदी, उसका प्रादुर्भाव आलवार संतों ने किया था। उसके आराध्य देव कौन थे? विष्णु थे। आलवारों की संख्या 12 थी। आलवार संतों के अलावा दक्षिण में नयनार संत शिव के उपासक थे और जो नैनार संत हैं उनकी संख्या कितनी मानी गई है? 63 मानी गई है। तो इसमें विष्णु क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है एक कथन दे रखा है, उसके पीछे एक कारण दे रखा है, बाद में विकल्प दे रखे हैं और बताना है कि कथन कारण कौन सा सही है, कौन सा इसकी ठीक तरीके से व्याख्या करता है। तो आपको कथन दे रखा है भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षत्रिय भाषाओं को माध्यम बनाया था। कारण आपको दे रखा है उनके समय में राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। अब देखिए आपको ये सही दे रखा है भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का माध्यम बनाया था, बिल्कुल सही है, माध्यम बनाया था। उनके समय में राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। दोनों आपको इसमें सही दे रखे हैं, लेकिन ये जो कारण है वो इस कथन की सही तरीके से व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, रीजन भी सही है इसके, कथन भी सही है, लेकिन रीजन वो इस कथन की ठीक तरीके से व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि भक्ति संतों ने अपनी शिक्षा का आधार है वो क्षेत्रीय भाषाओं को बनाया था, जिससे क्षेत्रीय भाषाएं समृद्ध होती गई और 15वीं 16वीं शताब्दी में मुगल दरबार में राजकीय भाषा फारसी थी। तो ऑप्शन इसमें सेकेंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान मामलुक सुल्तान नहीं था?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत काल में मामलुक वंश के प्रमुख रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन थे। मामलुक वंश उन्हें कहा गया जिनको अपने जन्म से पहले गुलामी से मुक्त कर दिया था। इसमें जलालुद्दीन खिलजी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे, तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे, वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य को इनका संस्थापक माना जाता है। ये शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक और रुद्र संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे। कौन, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट आपको देखा है अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि एक रणथंभौर की विजय थी, एक जालौर की विजय थी, चित्तौड़ की और शिवानंद की, काल के क्रम के आधार पर। तो देखिए रणथंभौर की विजय इनमें सबसे पहले थी, उसके बाद में विजय थी चित्तौड़ की, उसके बाद में थी शिवाना की, और लास्ट में कौन सी थी, जालौर की। यानी कि 1-3-4-2, 1-3 यानी ACDB आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। इनके गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम गुजरात के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया था। दक्षिण की बात करें तो सर्वप्रथम इन्होंने तेलंगाना में आक्रमण किया था। राजस्थान में बात करें तो रणथंभौर और हमीर के बीच में हुआ था 1301 में। बाद में चित्तौड़ रतन सिंह के बीच में ये हुआ था 1303 में। उसके बाद में शिवाना शीतलदेव 1308 में हुआ था ये, और बाद में जालौर कानड़ देव ये हुआ था 1311 में। तो इनका जो कालक्रम के आधार पर आपको बताना था 1, 3, 8 और 11, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली के सात सुल्तानों का राज्यकाल देखा था, तो ये देखा था निजामुद्दीन औलिया ने। चिश्ती सिलसिले के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने सल्तनत के सात सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। अमीर खुसरो इसके शिष्य थे और औलिया की दिल्ली में अतिशय लोकप्रियता से भयभीत होकर ही गयासुद्दीन तुगलक ने इन्हें दिल्ली छोड़कर जाने का आदेश भी दिया था। तो निजामुद्दीन औलिया क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है आरिज ए ममालिक ये किस विभाग का प्रधान कहलाता था, तो ये दीवान ए आरिज का प्रधान कहलाता था। आरिज ए मुमालिक दीवान ए आरिज विभाग का प्रधान होता, और दीवान ए आरिज ये सैन्य विभाग था जो कि सैनिकों को भर्ती करने का, इनको विवरण करने का, जो सैनिक अभियान है उनका आयोजन करने का कार्य करता था, सैनिकों को वेतन देने का काम करता था, सैनिकों के निरीक्षण करने का कार्य भी यही विभाग करता था। तो दीवान ए आरिज क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है सुमेलित वो आपको बताना है। तो देखिए शेख मुइनुद्दीन ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है, बिल्कुल आपको सही दे रखा है। शेख जमालुद्दीन साबिरी ये आपको इसमें गलत दे रखा है, ये अस्तित्व में नहीं था उस समय, तो ये गलत हो जाएगा। बहाउद्दीन जकारिया ये सुहरावर्दी आपको सही दे रखा है, और नयामत का कादरी भी सही दे रखा है, क्योंकि मध्यकाल में अनेक सूफी सिलसिलों का उदय हुआ था जिसमें साबिरी जो संप्रदाय था वो अस्तित्व में नहीं था। सूफी मत जिसमें चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नक्शबंदी संप्रदाय, बाकी विल्ला है, सुहरावर्दी सिलसिला, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, कादिरी संप्रदाय, अब्दुल कादिर जिलानी, और सतारी संप्रदाय, शाह अब्दुल संतारी ये प्रचलित थे। ये साबिरी शेख जमालुद्दीन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सुमेलित नहीं था यही आपको बताना था। नेक्स्ट आपको दे रखा है कौन सा कथन असत्य है, असत्य यानी कि गलत कथन कौन सा है वो आपको इसमें बताना है। तो देखिए भारत में पश्चिमी एशिया से कांच के बर्तन और घोड़ों का आयात होता था, तो ये कथन तो आपको इसमें सही दे रखा है। नेक्स्ट है कच्चा रेशम चीन से आयात किया जाता था, ये भी सही दे रखा है। हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार में अरब सबसे बड़े साझेदार थे, ये भी आपको सही दे रखा है। इसका मतलब ये चौथा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अरबों ने तमिल व गुजराती व्यापारियों को हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार से पूरी तरीके से उखाड़ दिया था, ये कथन गलत है। देखिए पूर्वी मध्यकाल में अरब व्यापारियों ने भारत में अपना व्यापार का विस्तार किया था, वे हिंद महासागर से एक बड़े साझेदार और प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन गुजराती और तमिल व्यापारियों के ये सहयोगी थे, उखाड़ नहीं फेंका था इन्होंने, ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन आपको इसमें बताना था। फिर नेक्स्ट दे रखा है कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आपको दे रखा है हजरत मुहम्मद की मक्का से मदीना की जो यात्रा है वो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है हिज्र के नाम से।
मोहम्मद शाह के द्वारा 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा है वो हिजरे या फिर हिजरत के नाम से इसको जानते हैं। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखा है निम्नांकित स्मारकों के काल क्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है, मोती मस्जिद, किला ए कोहना, अढ़ाईदीन का झोंपड़ा और मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, कालक्रम के अनुसार। तो देखिए इनमें सबसे पहले आएगा अढ़ाईदीन का झोंपड़ा, उसके बाद में आएगा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, बाद में आएगा किला ए कोहना और बाद में आएगी मोती मस्जिद। यानी कि 3421, 3421 सी डी बी आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण करवाया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है वो अजमेर में इल्तुतमिश ने बनवाया था, और मोती मस्जिद का निर्माण है वो प्रारंभ में आगरा में शाहजहाँ ने, और लाल किला या फिर किला ए कोहना का निर्माण है वो दिल्ली में शाहजहाँ ने करवाया था। तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है इक्ता शब्द का अर्थ क्या है, इक्ता शब्द का अर्थ क्या है, यानी तनख्वाह के बदले जो सैनिकों को दिया जाने वाला भूदान होता था उनको इक्ता के नाम से जाना जाता था। इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था इक्ता व्यवस्था, इसके अंतर्गत सैनिकों को नगद वेतन के बदले इक्ता प्रदान की जाती थी। इक्ता छोटी से लेकर बड़ी बड़ी होती थी, इनका जो आधार है वो वंशानुगत नहीं था। तो तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिया जाने वाला जो भूदान होता था उसको इक्ता के नाम से जानते थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है एक कथन और कारण, बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और कारण दे रखा है उसने ताज की प्रतिष्ठा स्थापित की। देखिए आपको इसमें कथन और कारण दोनों सही दे रखे हैं, और ये लेकिन इसके ठीक तरीके से व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं लेकिन रीजन है वो इस कथन की ठीक तरीके से व्याख्या नहीं करता है। बलबन का राजत्व का जो सिद्धांत था वो न्याय और शक्ति के ऊपर आधारित था। ताज की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि बनाया और अपने आप को अप्सरा सियाब वंश से संबंध किया और आम जनता से दूरी बनाए रखी थी। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था आलमीडा। वास्को डिगामा ने सर्वप्रथम 1498 में भारत की खोज की थी और कालीकट के तट के ऊपर आया था। पुर्तगाली कंपनी का भारत में प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को नियुक्त किया गया, और अल्मेडा ने 1503 ईस्वी में टर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित करके दीव के ऊपर अधिकार कर लिया था। तो अल्मेडा क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से। देखिए रैदास निर्गुण भक्ति, ये तो आपको सही दे रखा है, नानक निर्गुण भक्ति भी सही दे रखा है, सूरदास सगुण भक्ति, पीपा सगुण भक्ति, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। भक्ति काल में भक्ति की दो धारा जिसमें सगुण और निर्गुण प्रचलित थी, सगुण में अपने आराध्य को साक्षात रूप में पूजा की जाती थी और निर्गुण में अदृश्य रूप में पूजा की जाती थी। सगुण शाखा में रामानंद, सूरदास, मीरा और चैतन्य सम्मिलित थे, और निर्गुण शाखा में संत पीपा थे, रैदास थे, कबीर थे, दादू और नानक थे। तो ये थे निर्गुण शाखा में, और पीपा का नाम आपको इसमें सगुण भक्ति में दे रखा है इसलिए सुमेलित नहीं है ये पूछा था। इसलिए ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी, तो ये खोली थी सूरत में। देखिए 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस ने मुगल सम्राट जहांगीर से मुलाकात करके व्यापार की आज्ञा मांगी थी। अंग्रेजों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री थी वो 1611 ईस्वी में कहाँ पर खोली थी, सूरत में खोली थी। नेक्स्ट आपको देखा है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये तो आजकल काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, आप सभी को पता होगा 1761 इसका करेक्ट आंसर होगा। पानीपत मूवी आई है जिसके कारण ये काफ़ी कंट्रोवर्सी रहा है। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 को हुआ था। पानीपत ने तीन युद्ध लड़े थे जिसमें पहला युद्ध है वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। दूसरा युद्ध हुआ था वो 1556 में हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, और तीसरा युद्ध है वो 1761 में लड़ा गया था। नेक्स्ट दे रखा है दस्तक शब्द से तात्पर्य है, तो दस्तक शब्द का अर्थ होता है शुल्क मुक्त व्यापार। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की आज्ञा पत्रों को दस्तक कहा गया, और ये जो आज्ञा पत्रक हैं वो 3000 रुपये वार्षिक के बदले फरकुशियर ने 1717 ईस्वी में प्रदान किया था। तो ये शुल्क मुक्त व्यापार पत्र हुआ करता था दस्तक।
नेक्स्ट आपको दे रखा है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी, तो ये हुई थी दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। अंग्रेज और हैदर अली के मध्य द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1780 से लेकर 84 के दौरान। तो 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और आगे इस युद्ध का जो संचालन है वो टीपू ने किया था और दोनों पक्षों के मध्य मंगलोर की संधि हुई थी। तो दूसरे युद्ध में, दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली की मृत्यु हुई थी 1782 में। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है निम्नांकित में से किसने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था, तो देखिए महादजी सिंधिया ने इसमें भाग नहीं लिया था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय, अप्पाजी भोसले और मल्हार होलकर ने भाग लिया था, लेकिन महादजी सिंधिया ने इसमें भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अंग्रेजों ने दौलतराव सिंधिया से युद्ध किया था और 5 नवंबर 1817 के को ग्वालियर की संधि कर ली थी, तो महादजी सिंधिया ने इसमें भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट आपको देखा संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो संथाल विद्रोह का नेता था सिंधु मांझी। संथाल जनजाति बागलपुर और राजमहल के बीच में निवासरत थी। बढ़े हुए भूमिकर, साहूकार की अवैध वसूली और पुलिस के अत्याचारों के विरुद्ध में 1855-1856 में ये विद्रोह सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ और इस विद्रोह का नेता सिंधु मांझी था। तो सिंधु मांझी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था, तो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1856 में हुआ था। ऑप्शन फोर्थ क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है निम्नांकित में से कौन सी देवी देवता मिस्री नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्मिटिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है 12 तख्तियों का कानून का संबंध कौन सी सभ्यता से है, तो यह है रोम से। रोम सभ्यता में प्लीबियनों ने लड़की की तख्तियों के ऊपर 12 कानूनों को लिखा गया था जो कि प्रशासन और समाज के लिए इंपॉर्टेंट थे, तो रोम क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको दे रखा है चीन की दीवार का निर्माण किया गया था, तो चीन की जो दीवार है उसका निर्माण किया गया था हूणों के आक्रमण से बचाव के लिए, तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है अब्बासी खलीफाओं की राजधानी थी, तो अब्बासी खलीफाओं की राजधानी थी बगदाद। फिर नेक्स्ट दे रखा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रसिद्ध उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव पेश किया जिसके ऊपर 19 दिसंबर 1946 तक बहस हुई और दूसरे अधिवेशन 20-21 जनवरी 1947 को इन उद्देश्य प्रस्तावों को पास कर दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको दे रखा है मस्तबा क्या है, तो मस्तबा क्या है, एक प्रकार की कब्र का नाम है। मिस्र की सभ्यता में राजसी लोगों के लिए एक कब्र नुमा कब्र बनाई गई थी जिसे मस्तबा कहा जाता है। नेक्स्ट देखा है प्राचीन सभ्यता जिसने बारूद का आविष्कार किया था, तो वो थी चीन की। विश्व में चीन की सभ्यता ने सर्वप्रथम कागज और बारूद का आविष्कार किया था। राजकीय पदों का प्रतियोगिता परीक्षा का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में ही हुआ था। नेक्स्ट देखा है बिंबिसार और अजातशत्रु ने राज्य काल में मगध की राजधानी कौन सी थी, तो ये थी राजगीर। राजगीर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदासक। नागदासक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है आपको सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड दे रखी है, बौद्ध धर्म के प्रचारक दे रखे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ देशों के नाम दे रखे हैं। तो उत्तर में तो देखिए कौन, ये स्वर्ण भूमि आपको सही दे रखा है। दूसरे में महेंद्र, तो ये लंका। बाद में तीसरा दे रखा है रक्षित, तो ये वनवासी, और महादेव का महिष मंडल। तो यह वीडियो को पॉज करके देख लेना कौन से कूट में सम्मिलित होता है, इस तरीके से होगा ये। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है अशोक के द्वारा धम्मा महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख उसके कौन से शिलालेख में किया गया, तो ये किया गया था 5वें शिलालेख में। नेक्स्ट दे रखा है अशोक के अतिरिक्त देवाना प्रिय उपाधि धारण करने वाला मौर्य शासक कौन था, तो ये था दशरथ। मगध के सिंहासन के ऊपर बैठने के बाद में मौर्य सम्राट अशोक को उसके अभिलेखों में देवनाम प्रियदसी की उपाधि को संबोधित किया गया। इसके अलावा अशोक ने पुत्र दशरथ ने भी देवनाम प्रियदसी की उपाधि धारण की थी और इसने आजीविकों के लिए बराबर के पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण भी किया था, तो दशरथ क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा सारनाथ में बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो देखिए ये क्वेश्चन है वो आपके आरपीएससी
के द्वारा ये क्वेश्चन इसमें डिलीट किया गया था, इसमें स्टार मार्क कर रखा था, क्योंकि अशोक ने सारनाथ में बुद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था और अपने जीवन काल में अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। स्तूप का शाब्दिक अर्थ राख का ढेर होता है, जिसको थुआ नाम से भी जानते हैं, और बुद्ध शारीरिक और भौतिक अवशेषों को स्तूपों में रखा जाता है। पिपरहवा का बुद्ध स्तूप सबसे पुराना स्तूप माना जाता है। तो ये इसमें स्टार मार्क किया गया था, आरपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। नेक्स्ट आपको दे रखा है, पतंजलि किस शुंग शासक का पुरोहित था? तो पतंजलि इसका करेक्ट आंसर होगा पुष्यमित्र का। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र ने मगध के ऊपर राज सिंहासन हस्तगत कर लिया था, और पुष्यमित्र का पुरोहित पतंजलि था, जो कि एक फेमस प्रकांड विद्वान व्याकरणाचार्य था, जिसने महाभाष्य की रचना की थी, और पुष्यमित्र के अवशेष यज्ञ दो का पुरोहित था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में दे रखा है। देखिए इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट का इसमें होगा डी हाल, बाद में सेकंड मृत्स्कटिका होगा शूद्रक, बाद में नागानंद का इसमें होगा, देखिए नागानंद का होगा इसमें हर्ष, और कादम्बरी का होगा इसमें बाण। तो यह वीडियो को पॉज करके देख लेना कौन सा इसमें कूट सही होगा। नेक्स्ट आपको देखा, विशिष्ट सिद्धांत ने एक वर्ष को 366 दिन के स्थान पर कितने दिन का बताया है? तो ये बताया है 365.25। नेक्स्ट आपको देखा, प्रतिहार शासक जिसने मेदांतक यानी कि मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया वो कौन था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा नागभट्ट, नागभट्ट था वो। फिर नेक्स्ट देखा, काम्बुज के अंग कोरवाट का निर्माण किस शासक के राज्यकाल में हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सूर्यवर्मा सेकंड। फिर नेक्स्ट देखा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वराहमिहिर रचित नहीं है? तो इनमें से पंचसिद्धांतिका तो वराहमिहिर के द्वारा ही रचित है, और वृहद विवाह पटल भी है, और वृहद जातक भी है, दस गीतिका सूत्र नहीं है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है, आरसी मजूमदार के अनुसार दक्षिणी पूर्व एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य का उदय कौन सी शताब्दी में हो गया था? तो ये हुआ था 8वीं शताब्दी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कथन और कारण, अकबर ने दहशाला पद्धति को 1580 में लागू किया था। कारण आपको देखा है, 1580 के बाद उसके संपूर्ण साम्राज्य में दहशाला व्यवस्था लागू थी, तो इसके अंतर्गत ये कथन और कारण दे रखे हैं। इनमें आपको दोनों ही सही दे रखे हैं, और जो कारण है वो कथन की बिल्कुल ठीक तरीके से व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखा, निम्नांकित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी? तो ये उपाधि प्रदान की थी अबुल हसन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था? अधिकतम भाग कौन सी वस्तु का था? तो ये था सूती वस्त्रों का। भारत में सूती वस्त्रों का निर्यात अधिक होता था। भारत का सूती वस्त्र यूरोपियन देशों में बहुत ही अधिक फेमस था। इसके अलावा भारत से नील और शोरा हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं, जड़ी बूटियों का भी निर्यात होता था। उस काल में इन वस्तुओं के बदले भारत में सोना आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से रिलेटेड दे रखा है। देखिए इसमें बदायूनी जो लेखक हैं वो कौन से ग्रंथ के हैं ये आपको बताना है। तो ये है मुकतब उख तवारीख, इसका करेक्ट आंसर होगा। बाद में मोहद्दीन खान, तो ये होगा इसका इकबालनामा जहांगीरी, और लाहौरी का होगा इसमें बादशाहनामा, और अहमद यादगार का होगा इसमें तारीख़ शाही। तो ये आप इसमें देख लेना कोर्ट में कौन से में है। नेक्स्ट आपको देखा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दो बार गद्दी पर बैठा था? ये जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से दो बार गद्दी पर कौन बैठा था? हुमायूं बैठा था। फिर नेक्स्ट दे रखा है, हुमायूं व खान ए खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ये था उस्ता अहमद। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मुगल काल में सुखेत मंडी प्रसिद्ध थी। तो मुगल काल में सुखेत मंडी किसके लिए फेमस थी? नील उत्पाद के एक केंद्र के लिए काफ़ी फेमस थी। मुगल काल में सुखेत मंडी नील उत्पादन के केंद्र इसका बनाया गया था, और मुगल काल में बयाना, बयाना कहाँ पर है? राजस्थान में। सरखेज कहाँ पर है? गुजरात में। और मालवा नील उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस स्थान थे। यहाँ की नील पूरे विश्व में फेमस थी, तो नील उत्पादन के केंद्र के रूप में ये सुखेत मंडी है वो काफ़ी। अगला क्वेश्चन देखिए आपको दे रखा है, अलतमगा जागीर देने का चलन आरंभ किया था, किसने आरंभ किया था? ये जहांगीर ने आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दीवान ए वजीरात ए कुल नाम के नए पद का गठन किया गया था, तो ये गठन किया गया था अकबर के द्वारा। फिर
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द ग्रेट फर्म थियरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो देखिए केरन लियोनार्ड क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, फ्रांस के ये लेखक थे केरन लियोनार्ड, इन्होंने ये लिखा था कि इसमें मुगल साम्राज्य के पतन के उत्तरदायी कारणों के बारे में एक विस्तृत व्याख्या इन्होंने की है, तो केरन लियोनार्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है नूर जहाँ मूलतः निवासी थी, तो नूर जहाँ कहाँ की निवासी थी, ईरान की निवासी थी। नौकरी की तलाश में फ्रांस से आए गयास बेग और हसमत बेगम की पुत्री, इसका नाम था नूर जहाँ, मैरू निशा के नाम से इसको जाना जाता है। इनका जन्म यात्रा के दौरान हुआ था और बड़ी होने पर इसका विवाह शेर अफगान से कर दिया गया, लेकिन शेर अफगान की मृत्यु हो जाने के बाद में 1611 ईस्वी में जहांगीर से इसका विवाह कर लिया और नूर जहाँ की उपाधि इनको प्रदान की। इसने जूटा गुट का निर्माण किया था, तो ये ईरान की मूलतः निवासी थी। नेक्स्ट आपको देखा है संगम युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था, तो ये था पुहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कौन से कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था, तो यह हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसके तहत भारत से कंपनी का शासन समाप्त होकर क्राउन के अधीन आ गया था। शासन संचालन क्राउन के प्रतिनिधि या ब्रिटिश सरकार के सदस्य करेंगे। इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद को वायस राय गवर्नर जनरल कर दिया था। ये जो आपको सूचियां दे रखी हैं इनको सम्मिलित करना है, लक्ष्मीबाई बाद में ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दे रखी है। देखिए इसका करेक्ट आंसर वो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दे रखा है लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मीबाई का जो संबंध था वो था इसमें युद्ध में मारे गए, ठीक है, तात्या टोपे तो ये गिरफ्तारी के बाद में इनको फांसी हुई थी, नाना साहब तो नाना साहब का संबंध था नेपाल पलायत से, और बहादुर शाह का संबंध था रंगून निर्वासित इनको कर दिया था। 1857 की क्रांति के दौरान भारतीय राज्य महाराजों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी थी, और जिसमें अंतिम रूप से लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी। नाना साहब हार कर नेपाल पलायन कर गए थे। तात्या टोपे को अपने मित्र नटवर के जमींदार मान सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए थे और बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से पकड़कर रंगून निर्वासित कर दिया था। तो इसके अंतर्गत आप देख लेना कौन सा कोट इसमें इस तरीके से दे रखा है, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। रुहेलखंड में खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। इन्हें मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने सूबेदार के पद के ऊपर नियुक्त किया था और कालांतर में इन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई थी, तो खान बहादुर खान इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इस तरीके से दे रखी है और आपको मिलान करना है कौन सी ईस्वी से, तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ सन्यासी विद्रोह, तो सन्यासी विद्रोह का संबंध है वो 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक है। बाद में ओडिशा के जमींदारों का विद्रोह है, इसका संबंध 1804 से लेकर 1817 तक है। बाद में आंध्र के पोलिगारों का विद्रोह है, ये 1801 से लेकर 1805 तक है। और बाद में अलीगढ़ के तालुकदारों का विद्रोह, ये 1814 से लेकर 1817 तक है। तो 1, 2, 3, 4 आपको दे रखें, 1, 2, 3, 4 आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखे हैं, इसलिए यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखें रीजन और ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन दे रखा है कि 1857 की क्रांति असफल रही थी, बिल्कुल 1857 की क्रांति है वो असफल रही थी। इसके पीछे कारण ये दे रखा है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जमींदारों राजाओं और भूस्वामियों के नेतृत्व में राजनीतिक प्रतिरोध सफल नहीं हो सकता था, इसके कारण ये इसमें असफल रही थी। तो ये कथन है, इसकी व्याख्या कारण है वो बिल्कुल सही तरीके से करता है, इसलिए देखिए इसमें आपको दे रखा है ए आर दोनों सही हैं और रीजन है वो इस कथन की ठीक तरीके से व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है आर्य समाज के सिद्धांत और कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कौन सा कथन है ये आपको बताना है। तो देखिए पलायनवाद और भाग्यवादी दर्शन का अस्वीकार ये इसमें सही दे रखा है, विधवा विवाह का विरोध ये आपको इसमें गलत दे रखा है, गलत कौन सा ये बताना था, ये इसका आंसर हो जाएगा मूर्ति पूजा का विरोध और अंतरजातीय विवाहों को इसमें प्रोत्साहन। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई में जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी उसमें मूर्ति पूजा, सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है, पलायनवाद का विरोध है, इसके अलावा विधवा और अंतरजातीय विवाहों को मान्यता प्रदान की गई थी, इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज का नारा भी दिया था, तो विधवा विवाह का विरोध इन्होंने नहीं किया था, ये कथन ये गलत दे रखा है आपको, इसलिए यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, इस बार आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तो देखिए रानाडे वेदांत कॉलेज ये तो आपको इसमें गलत दे रखा है, शिवदयाल और राधा स्वामी सत्संग ये सही दे रखा है, देवेंद्रनाथ टैगोर का और भारतीय ब्रह्म समाज ये भी गलत है, और केशव
चंद्रसेन आदि ब्रह्म समाज, ये भी आपको गलत दे रखा है। 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत अनेक संस्थाओं का गठन हुआ था जिन्होंने समाज को एक दिशा देने का कार्य किया था। बाद में 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित आर्य समाज का 1866 ईस्वी में प्रथम विभाजन हुआ था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसे आदि ब्रह्म समाज कहा था और केशव चंद्र सेन ने अपने नेतृत्व के दल को भारतीय ब्रह्म समाज का नाम दिया था। शिवदयाल साहब और तुलसी ने आगरा में 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी और आगरा में इसका मुख्यालय स्थापित किया था। और 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। तो कौन सा इसमें युग में सही है वो दे रखा था, तो इसमें देखिए शिवदयाल राधा स्वामी सत्संग क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये विलियम जोन्स के द्वारा की थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। भारत की प्राचीन संस्कृति के विशेष ये प्रभावित थे, इसलिए भारतीय ये प्राचीन भारत के अंतर्गत इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए इस संस्था की स्थापना करने का कार्य सर विलियम जोन्स को दिया जाता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन से वर्ष अपने संविधान को अंगीकार किया था, तो ये अंगीकार किया था 1899 में। उदारवादी नेता थे रमेश चंद्र दत्त, उनकी अध्यक्षता में 1899 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में कांग्रेस ने अपने संविधान को अंगीकार कर लिया था और उसी के अनुसार अब संवैधानिक सुधारों के लिए प्रयास करना अपना लक्ष्य इन्होंने घोषित कर दिया था। तो 1899 में क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए वुड्स डिस्पैच 1854 ये सही दे रखा है आपको। इसके बाद में हंटर कमीशन 82-83 ये भी सही दे रखा है। शेड्यूलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1858 ये गलत दे रखा है। ये हटोग शिक्षा समिति 29 ये भी सही दे रखा है। देखिए अंग्रेजी सरकार ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए आधे अधूरे या फिर बेमन ने 1813 ईस्वी में प्रारंभ किए प्रयासों में भारत में शिक्षा का जो प्रसार है वो अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद में समय समय के ऊपर शिक्षा कमीशन और समितियों के गठन के बाद में शिक्षा सुधार करने के लिए अनेक सुझाव व्यक्त किए गए। 1835 में मेकाले घोषणा पत्र आया था। 1854 में वुड डिस्पेच जो कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी इसको जानते हैं। बाद में 1852 में हंटर कमीशन और 1902 में रेले कमीशन जिसको कंजर के मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, कंजर के काल में ये आया था। 1917 में शेंडलर आयोग जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए आया था। 1929 में हार्टोग समिति और 1937 में वर्धा योजना जो कि गांधी जी के पत्र के ऊपर आधारित था। और लास्ट में 1944 में सार्जेंट योजना, ये सभी शिक्षा के विकास को प्रभावी बनाने के लिए आए थे। तो इसके अंतर्गत शेड्यूलर यूनिवर्सिटी कमीशन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, होम रूल आंदोलन चलाने के लिए होम रूल लीगों की संख्या कितनी थी, तो दो संख्या थी। ऑप्शन सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी अप्रैल 1916 में, तिलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। भारत में होम रूल आंदोलन के लिए दो लीगों का गठन किया जिनका उद्देश्य भारत में राजनीतिक चेतना को जागृत करना, और एनी बेसेंट की लीग थी उसने संपूर्ण भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज की और आंदोलन को देश के कोने कोने में पहुंचाने का कार्य किया था। तो दो क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। होम रूल लीग चलाने वाली होम रूल लीगों की संख्या कितनी थी, दो थी। नेक्स्ट आपको देखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल था, तो ये था लॉर्ड डफरिन। 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ था, और डब्ल्यू सी बनर्जी जिसको व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जाना जाता है उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का गवर्नर जनरल था और कांग्रेस का संस्थापक ए ओ ह्यूम था, और इस अधिवेशन में जो सदस्य थे वो टोटल कितने थे, 72 थे। तो लॉर्ड डफरिन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, बंगाल में 1818 में सबसे पहले प्रकाशित तो होने वाला समाचार पत्र इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था दिग्दर्शन। अप्रैल 1818 में मार्स मेन के द्वारा बंगाली भाषा में दिग्दर्शन नामक जो मासिक पत्रिका है उसका प्रकाशन हुआ था। जेम्स तिलक बर्किंगहम ने प्रेस को आधुनिक रूप प्रदान किया था और राजा राम मोहन राय जो कि संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार है उसको राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। जेम्स ऑगस्ट हिकी के द्वारा 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट को भारत का प्रथम अखबार भी माना जाता है। तो अप्रैल 1818 में मोर्स मैन के द्वारा बंगाली भाषा में यह दिग्दर्शन है नाम की एक मासिक पत्रिका थी उसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट आपको देखा है, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था,
तो ये हुआ था बनारस के 1905 के अधिवेशन में। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक स्वदेशी जो अधिवेशन हुआ था उसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। इस आंदोलन के तहत स्वदेशी शिक्षा संस्था, स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी वस्त्रों के ऊपर जोर दिया गया और इसी आंदोलन में सर्वप्रथम महिलाएं घेरों जो आपके हाउसेज गोल वगैरह बनाए जाते थे वो घरों से बाहर निकलने का कार्य किया था। तो बनारस के 1905 का अधिवेशन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है ब्रिटेन के द्वारा भारत में किए गए निम्नलिखित प्रयोगों में से सबसे कम अवधि तक कौन सा चला था, तो ये चला था, ये जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक प्रशासनिक व्यवस्था के लिए चार्टर या फिर अधिनियम पारित किए थे जिसमें 1909 का जो अधिनियम है वो 10 वर्ष तक रहा था। इसके बाद में ब्रिटिश भारत में मुस्लिमों को आरक्षण प्रदान किया गया और इसे मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। तो इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है पिएता क्या है, तो पिएता एक्चुअल में क्या है, एक माइकल एंजलो के द्वारा बनाई गई एक मूर्ति है, ये सेंट पीटर गिरजाघर के द्वारा ये स्थापित की गई है। नेक्स्ट आपको देखा जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन, ये सिद्धांत का प्रवचन किसने दिया था, तो ये दिया था मार्टिन लूथर ने। ईश्वर के ऊपर विश्वास आधारित सिद्धांत को मार्टिन लूथर ने दिया था और पोप के द्वारा पाप मोचन पत्रों की बिक्री प्रारंभ करके स्वर्ग में जाने की बात इन्होंने कही थी, तो लूथर ने इसका विरोध किया था और पाप मोचन जो पत्र थे उनके स्थान पर ईश्वर में आस्था प्रकट करने के लिए कहा था। तो मार्टिन लूथर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये क्या था, जे ए ब्लोंकी ने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस के ये समाजवादी नेता थे लुई ब्लोंकी, उन्होंने किया था लुई ब्लोंकी। औद्योगिक क्रांति विश्व में सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी और इसकी जो शुरुआत है वो वस्त्र उद्योग से हुई थी। फिशर औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात है वो 1769 में आर्कराइट के द्वारा आविष्कृत वाटर फ्रेम से मानते हैं। तो इसमें ब्लोंकी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्या देखा है, बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी की घटना है वो कब हुई थी, तो ये हुई थी 1773 में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने ये अमेरिकी उपनिवेश वासियों को संतुष्ट करते हुए चाय के अलावा टाउन शेड शुल्कों को हटा दिया था और अमेरिका ने इसका विरोध किया था और विरोध के स्वरूप सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में 16 दिसंबर 1773 को कोलियो ने भेस में उपनिवेशों के बोस्टन बंदरगाह पर खड़े करके जहां पर लदी 340 चाय की जो पेटियां थी उसको समुद्र में फेंक दिया था और इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये 1773 की बात है, दिसंबर की। नेक्स्ट आपको देखा है निम्नांकित में से कौन यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदा को तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था, तो जॉर्ज वॉशिंगटन इसमें नहीं थे। 4 जुलाई 1776 को 13 अमेरिकी बस्तियों के प्रतिनिधियों ने इंग्लैंड से स्वतंत्रता की घोषणा की और स्वतंत्रता के घोषणा पत्र को एक समिति तैयार की थी जिनके सदस्य कौन कौन से थे, एक तो टॉमस जेफरसन थे, जॉन एडम्स थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, रोजर शर्मन थे, रॉबर्ट लिविंगस्टोन थे और 4 जुलाई को अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया जाता है। इसमें जॉर्ज वॉशिंगटन इसमें सदस्य नहीं थे, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखा है तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों के द्वारा प्रसिद्ध टेनिस कोर्ट शपथ कब ली गई थी, तो देखिए ये ली गई थी 20 जून 1789 को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है फांसीवाद बल देता है, तो फांसीवाद किसके ऊपर बल देता है, राज्य की शक्ति मानता के ऊपर बल देता है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था फ्रांस की क्रांति को किसने मानव जाति के जीवन में धर्म सुधार आंदोलन के बाद में होने वाले प्रमुखतम आंदोलन बताया है, तो ये बताया था जे एफ हर्डर के द्वारा, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा 1921-22 के वाशिंगटन सम्मेलन मुख्यतः संबंधित था, तो ये संबंधित था नौसैनिक शस्त्रीकरण को सीमित करने से, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने किस वर्ष त्यागपत्र दिया था, तो इन्होंने त्यागपत्र दिया था 1940 में दिया था, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है हिटलर ने जून 1941 में सोवियत संघ के ऊपर आक्रमण किया था, इन्होंने आक्रमण क्यों किया था, क्योंकि इनके पीछे कारण यह था कि सोवियत संघ से जर्मनी की सुरक्षा को खतरा था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस और जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण करके इनको आपस में बांट लिया था और दोनों ने आक्रमण की संधि कर ली थी, लेकिन 1941 में जर्मनी संयुक्त पोलैंड को प्राप्त करना चाहता था जिससे उनकी सुरक्षा मजबूत हो सके, इसी कारण जर्मनी ने सोवियत संघ के ऊपर आक्रमण किया था, तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया था यंग इटली का संगठनकर्ता कौन है, तो यंग इटली का संगठनकर्ता मेजिनी था।
मेजिनी, इसका करेक्ट आंसर होगा 1831 में मेजिनी ने यंग इटली नामक जो संस्था थी उसकी स्थापना की थी। इसने इटली जो था इसके एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और मेजिनी को इटली एकीकरण आंदोलन में संत कहा जाता है। गणतंत्रवादी इस संस्था का नारा था ईश्वर और जनता, तो मेजिनी इसका संगठन करता था। नेक्स्ट देखा, कौन सी घटना ने प्रथम विश्व युद्ध भड़क उठा था, कौन सी घटना से प्रथम विश्व युद्ध भड़क उठा था? तो देखिए, बोस्निया हर्जिगोविया की राजधानी फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या की घटना से प्रथम विश्व युद्ध भड़क उठा था। फिर नेक्स्ट दे रखा है, कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन आपको इनमें से कौन सा दे रखा है? तो देखिए, यूरोप के राजवंशों को उनकी पुश्तैनी क्षेत्रों में पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया था, यह कथन आपको इसमें गलत दे रखा है, क्योंकि 1815 में यूरोपियन शक्तियों ने नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के बाद में पेरिस संधि के माध्यम से नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा विजित जो राष्ट्र थे उनके राजवंशों की सत्ता को पुनर्स्थापित किया गया था, तो ये इसमें गलत दे रखा है। और यही आपको पूछा था कि कौन सा कथन आपको इसमें असत्य दे रखा है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, वाणिज्यवाद सिद्धांत व व्यवहार में यूरोप में सामान्यतः स्वीकृत थी, तो ये 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक स्वीकृत थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पल्लव वंश की समाप्ति किस वंश के हाथों हुई थी? तो पल्लव वंश की समाप्ति है वो चोल वंश के हाथों हुई थी। पल्लव वंश के सर्वप्रथम चोलों को पूर्णतः पराजित करके समाप्त कर दिया था और अपने राज्य का इन्होंने विस्तार किया था। नेक्स्ट, तंजोर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण है वो कौन से किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए, इनका जो कालक्रम है वो थे इस समय राजराजा प्रथम थे, क्योंकि बृहदेश्वर मंदिर है वो तंजोर में निर्माण चोल शासक महाराजा ये राजराज प्रथम ने करवाया था और भारत का ये सबसे विशाल मंदिर है। इसमें काले ग्रेनाइट और शिवलिंग स्थित हैं। नागर शैली का ये सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है मंदिर, इसको जाना जाता है राजराज प्रथम के शासनकाल में ये हुआ था। नेक्स्ट आपको देखा है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये निम्नलिखित स्थान आपको दे रखे हैं, ये कहाँ पर नहीं लड़ा गया था, कहाँ पर नहीं लड़ा गया था? तो देखिए, मुड़की में लड़ा गया था, अलीवाल में लड़ा गया था और फिरोजशाह है चिलियावाला, इस ये इसका गलत था होगा, ये नहीं लड़ा गया था, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेजों और सिखों के मध्य ये 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग्स भारत के गवर्नर जनरल और लॉर्ड गफ इस युद्ध के समय प्रधान सेनापति थे। अंग्रेजों ने मुदकी, जिसको मुड़की के नाम से जानते हैं, फिरोजशाह है, ओलीवाल और सबराव नामक स्थान के ऊपर ये युद्ध लड़ा था, जिसमें सिख सेना अंतिम रूप से पराजित हुई थी और बाद में लाहौर की संधि हुई थी 8 मार्च 1846 को। तो इसमें चिलियावाला क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, जून 1665 में पुरंदर की संधि, ये किन किन के मध्य हुई थी? तो पुरंदर की संधि तो आप सभी को पता है शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी। जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी और इस संधि के तहत शिवाजी ने 23 के लिए मुगलों को देने के लिए ये स्वीकार किया था और मुगलों ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5,000 और उचित जागीर देना स्वीकार किया था। बाजीपुर के विरुद्ध में मुगलों को सैनिक सहायता देने का वादा शिवाजी ने किया था। तो ये शिवाजी और जयसिंह के बीच में जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। अब देखिए, आपको चार कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो देखिए, गांधी जी ने नमक यात्रा की सूचना इरविन को दी थी, ये तो सही दे रखा है। नमक यात्राएं देश में अन्य स्थानों पर आयोजित की गई थी, ये भी सही दे रखा है। गांधी जी ने अपना जो अपनी नमक यात्रा है वो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी, ये भी सही दे रखा है। इसका मतलब चौथा कथन गलत होगा, गांधी जी ने नमक यात्रा दांडी से आरंभ की थी, ये गलत है। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ में साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह जो कि दांडी मार्च है उसके रूप में शुरुआत की थी और 24 दिन लंबी अवधि के बाद में 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ने का कार्य किया था। तो ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, स्वयं को पाकिस्तान आंदोलन का जनक कहता है। तो देखिए, रहमत अली इसका करेक्ट आंसर होगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के रिसर्चर स्कॉलर चौधरी रहमत अली ने अपने एक पेपर में पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर पाकिस्तान शब्द का निर्माण किया, इसलिए पाकिस्तान शब्द का जनक है वो रहमत अली को माना जाता है। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कुछ भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी, ऐसी पहली सरकार कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये हुई थी बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश में कई इलाकों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया था और समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी। बलिया में गांधीधारी जो मतलब चितपांडे थे उनके नेतृत्व में ये पहली समानांतर सरकार वो स्थापित की गई थी। तो बलिया इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, 10 डेज विद सुक ए वर्ल्ड रूसी
क्रांति का आंखों देखा विवरण है, इसका लेखक कौन है? तो जे रीड इसके लेखक हैं, और इनका आंखों देखा जो वर्णन है वो उन्होंने पुस्तक किया था, 1919 में यह प्रकाशित की गई थी। लेनिन के नेतृत्व में क्रांति संपन्न हुई थी, और गोर्की टॉल्स्टॉय जैसे साहित्यकार इस क्रांति में विशेष सहयोग इनका रहा था। तो जे रीड क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, लीग ऑफ नेशंस के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसका करेक्ट असत्य कथन आपको बताना है, तो इनमें इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये फिनलैंड और स्वीडन के बीच में एलेंड द्वीप को लेकर चल रहे विवाद भी न सुलझा सकी, ये इसमें असत्य होगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना वर्षा संधि के परिणाम स्वरूप ही 10 जनवरी 1920 को हुआ था, और अमेरिका इस संगठन का सदस्य न होने के कारण इसमें असफल रहा था। राष्ट्रमंडल ने फिनलैंड और स्वीडन के मध्य विवाद को सुलझा दिया था, जबकि इसमें दे रखा है कि सुलझा न सकी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, माओ त्से तुंग के ऐतिहासिक महाभियान की अवधि क्या थी? तो ये थी 16 अक्टूबर 1934 से लेकर 10 अक्टूबर 1935, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, परिवार बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा देता है? तो परिवार बच्चे को अनौपचारिक रूप से शिक्षा देता है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, गिलफोर्ड के द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता रचना मंडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया? तो इसके अंतर्गत 150 तत्वों को सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है, तो ये होती है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय बच्चों में शारीरिक वृद्धि दर है वो अधिक होती है। नेक्स्ट दे रखा है, दीर्घकालीन स्मृति बहुत हद तक सहायक है, तो ये अर्थपूर्व अधिगम को सहायक है, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, TAT किस प्रकार का उपकरण है? तो TAT एक स्थिति पेक्षी उपकरण है। नेक्स्ट दे रखा है, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने के ऊपर मोटरसाइकिल देने का वादा किया, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? तो ये एक बाह्य प्रेरणा का कार्य करता है, ये वाक्य बाह्य प्रेरणा। नेक्स्ट दे रखा है, अच्छा अधिगम निर्भर करता है, तो अच्छा अधिगम किसके ऊपर निर्भर करता है? शिक्षक के ऊपर भी निर्भर करता है, छात्रों की सक्रिय रुचि के ऊपर भी निर्भर करता है, और उपयुक्त शिक्षण विधियों और जो सहायक सामग्री होता है उसके उपयोग के ऊपर भी निर्भर करता है, इसलिए इसके अंतर्गत उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, WWW स्टैंड्स फॉर, यानी कि WWW का मतलब क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इधर का, संचार की प्रक्रिया में संज्ञात्मक आंकड़ों के प्रेषण में मुख्य रुकावट कौन सी होती है? तो इसमें होती है कूटबद्ध करने की योग्यता। नेक्स्ट इधर का, कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए, अध्यापक को क्या चाहिए? उनसे नरमी और दृढ़ता के व्यवहार करें, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इधर का है, फ्रॉइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि कौन सी है? तो इसमें होगा इसका करेक्ट आंसर, इदम अहम अति अहम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसी अभिवृत्ति वाले जो बच्चे हैं उनके व्यवहार को क्या कहा जाता है? तो इनके व्यवहार, देखिए ये क्वेश्चन है वो इसमें थोड़ा सा शायद कोई मिसप्रिंट दे रखा है, क्योंकि RPSC के द्वारा ये क्वेश्चन है वो इस पेपर के अंतर्गत डिलीट किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, श्रृंखला अधिगम संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? गेने से संबंधित है। नेक्स्ट दे रखा है, आत्म संप्रेषण को कहते हैं, तो आत्म संप्रेषण को अंतः व्यक्तिक संप्रेषण के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट दे रखा है, DNA, DNA का क्या तात्पर्य है? तो DNA तो आपको देखिए यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया है, DNA नहीं होगा यहाँ पर, ये होगा, देखिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेट एक बार देख लेते हैं अपन, देखिए हिंदी में गलत लिख रहा है, इंग्लिश में DNS स्टैंड्स फॉर, DNS, DNS का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, इसलिए डोमेन नेम सिस्टम इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल वाला हो गया, मैंने सोचा DNA कहाँ से आ गया, अभी इसमें हिस्ट्री का पेपर चल रहा है। नेक्स्ट आपको देखो, बच्चे अपने वातावरण के साथ में संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है, देखिए चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से ये कथन पियाजे का है, ठीक है, पियाजे इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट देखा, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो मानसिक आयु, दंत आयु, कंकाल आयु, सामाजिक आयु, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर, ये इसमें सही नहीं दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है, संज्ञात्मक विकास के ऊपर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था, तो
इसमें जिन पियाजे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगता है। ये किस चीज का उदाहरण है? तो ये उद्दीपक सामान्यीकरण का उदाहरण है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखा, पियाजे के द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजें। तो पियाजे ने कौन सा नाम अब प्रयुक्त नहीं किया था? जैसे आत्मीकरण तो इसने किया था, संगठन भी किया था, स्कीमा भी किया था, ये नहीं किया था उदात्तीकरण। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, जॉर्ज स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है? तो इन्होंने ये कहा है तूफानी और तनावपूर्ण। नेक्स्ट है, किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत के ऊपर आश्रित होता है? तो ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा इसमें डिलीट किया गया था, इसमें ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था पेपर में आंसर की बनाते समय। नेक्स्ट दे रखा है, अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो अध्ययन का उच्चतम स्तर समस्या समाधान अधिगम, ये उच्चतम स्तर है। नेक्स्ट दे रखा है, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उनके ऊपर आचरण करे तो नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट देखा है, बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है? तो यह है अनुकरण तथा पुनर्बलन का। नेक्स्ट है, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता, इसको किस नाम से जानते हैं? तो अभियोग्यता के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट देखा, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक क्या है? तो इसका संकेतक है संवेगों के ऊपर कंट्रोल रखना। नेक्स्ट देखा, किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा कौन सा आपको दे रखा है? तो तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति, ये किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है? तो संगीसाथ क्या पड़ता है इसके अंतर्गत? आप सभी को पता है जैसी कंपनी होगी वैसा ही बच्चा व्यवहार करेगा। नेक्स्ट देखा, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित तो होने की क्षमता किस नाम से जानी जाती है? तो ये सांवेगिक बुद्धि के नाम से इसको जाना जाता है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया ही सीखने को मिला होगा। इस पर जितने ज़्यादा आपके लाइक आएंगे आपको नेक्स्ट एड का पेपर है वो भी जल्दी ही प्रोवाइड करवा दिया जाएंगे। तो अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।